इंदौर के समाजसेवी तथा लेखक, पत्रकार और नेता तपन भट्टाचार्य का आज दुखद निधन हो गया। तपन भट्टाचार्य का नाम सामने आते ही हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी दर्ज होती थी जो विभिन्न कला में पारंगत होने के साथ ही समाज के शोषित तबके के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहा। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किए। वे बाल संरक्षण आश्रम भी इस नेतागंज में चलाते थे, जहाँ अनाथ बच्चों को तथा छोटी उम्र के बच्चों को आश्रय दिया जाता था। तपन भट्टाचार्य जीवन भर अलग अलग विधाओं में काम करते रहे। जब वे एनजीओ से जुड़े तो उन्होंने झाबुआ में जाकर छोटे तालाब बनवाए और आदिवासियों के बीच जागरूकता का कार्य किया। उनकी विशेषता यह थी कि वे उसी परिवेश में ढल जाते थे जहां वे जाते थे। उसके बाद उनका मन प्रोफेसरी में रमा तो वे कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। इसके बाद प्रोफेसर से छुट्टी पाकर उन्होंने LLB की और वे महिला न्यायालय में समाज की निर्धन महिलाओं के लिए निःशुल्क केस लड़ने लगे। कॉलेज के दिनों में तपन भट्टाचार्य ने छात्र राजनीति भी की। वे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के नेता रहे, वहाँ से वे डिबेट भी बोलते थे। तपन भट्टाचार्य ने बच्चों संबंधित कई पत्रिकाएं भी प्रकाशित की और हाल ही में उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल भी शुरू किया था जिसमें उन्होंने प्रशांत राय चौधरी को संपादक बनाया था। कवि तथा लेखक के रूप में तपन भट्टाचार्य का नाम जाना जाता है। वह बहुत अच्छे गायक थे और कविताएं भी लिखते थे। तपन भट्टाचार्य को राजनीति का जब शौक चला तो वे आपकी राजनीति से भी जुड़ गए और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं भी दायर की और कई याचिकाएं तो उनकी बेहद चर्चित रही।